नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। एसडीएम द्वारा सनाई रामपुर की शासकीय एकीकृत शाला का किए गए औचक निरीक्षण में शाला बंद मिलने पर कार्रवाई को लेकर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है। समय पर स्कूल खोलने और बंद करने संबंधी दिशा निर्देश को लेकर एसडीएम विजय राय द्वारा पूर्व में सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक ली जा चुकी थी, लेकिन समय पर शाला न खुलने और समय से पूर्व बंद होने की मिली शिकायतों को लेकर आज एसडीएम विजय राय ने औचक निरीक्षण कर सनाई रामपुर की शासकीय एकीकृत शाला में 10.30 पर पहुंचे और एक घंटे छात्रों के साथ बाहर खड़े रहने के बाद 11.30 पर एक शिक्षक आए तब शाला खुली। 5 शिक्षकों का स्टाफ 11.45 तक बारी बारी से पहुंचा। एसडीएम विजय राय ने बताया कि जांच में विद्यालय में कई खामियां मिली है। विद्यालय में प्रार्थना नहीं कराई जाती, न ही उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा था। छात्रों से पूछने पर उनको विषय भाषा का ज्ञान उनकी कक्षा के अनुसार नहीं मिला। कई छात्र संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे पाए, जिसका कारण शिक्षकों का समय पर विद्यालय न आना और समय से पूर्व चले जाना है, जिसका प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भेजा गया है। गंज बासौड़ा से जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। स्कूल में पढ़ता ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। डिक्टेट करके लिखना सिखाएं, बोर्ड पर लिख करके सिखाएं। आपके पास जो भी आपके प्रश्न बैंक आते हैं, आप बोर्ड पर उनको लिखवाएंगे, बच्चों को नोट कराएंगे, बच्चे लिखेंगे। प्रश्न बैंक केवल इसलिए होता है, वो एक शॉर्टकट होता है। हमारा उद्देश्य तो होता है कि हम विषय हमारे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। और क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि आप लोगों के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से नित शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शासकीय विद्यालय समय पर नहीं खुल रहे हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने पूर्व में सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक लेकर के भी उनको निर्देशित किया था, परंतु जब आज हमने औचक निरीक्षण ग्राम सनाई रामपुर के एकीकृत शाला, जिसमें प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों हैं, उसका किया, तो हमने पाया कि 10:30 के स्कूल के समय पर लगभग 11:30 तक ताला डाला हुआ था। मैं स्वयं 10:30 पहुंचा, मैं और बच्चों के साथ वहां लगभग 1 घंटे बाहर खड़ा रहा। उसके पश्चात शिक्षक पहले शिक्षक आए, चूँकि वहां 6 की पदस्थापना है, 1 अन्य जगह पदस्थ हैं, तो उन 6 में से इस तरह 5 का स्टाफ वहाँ अवेलेबल है, परंतु 5 लोग समय समय पर लगभग 12:45 तक पहुँचे। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाई गई है। कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है, साथ ही उनको भी निर्देशित किया है कि कल समय पर लगभग 10:15 पहुँच करके स्कूल खोलेंगे। जिस प्रकार की अनियमितताएँ थी, ना तो वहाँ बच्चों के द्वारा जो बताया गया, ना तो प्रेयर कराई जा रही थी, ना ही उनको गुणवत्तापूर्ण और मात्रात्मक रूप से सही भोजन मिल रहा था। बच्चों को अपने विषयों के ज्ञान भी उतना नहीं था जितना कि उनको उनकी कक्षा के हिसाब से होना चाहिए। वो विषय के बारे में अनभिज्ञ थे, भाषा के बारे में अनभिज्ञ थे। सभी बच्चों से कुछ विषयों पर चर्चा भी की गई, संतोषजनक जवाब बच्चे नहीं दे पाए, जिसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों का समय पर स्कूल ना पहुंचना और समय के पूर्व स्कूल बंद करके चला जाना है। तो इस कारण से इसका प्रस्ताव बनाया जा करके कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया और मैंने भी आपको अवगत कराया कि अगर इस प्रकार के कोई मामले संज्ञान में आते हैं, जैसा आज हमने निरीक्षण किया, तो औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया ही जाएगा, परंतु फर्जी रूप से अगर पढ़ाने का या लोक सेवक के पद प्रतिरूपण का मामला यदि सामने आता है, तो जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा जाएगा और इसकी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भी प्रेषित किया जाएगा, ताकि संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जा सके।